हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास फोर की मैथमेटिक्स का वर्कशीट फोर करेंगे, तो शुरू करते हैं। लुक एट द प्लेसेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट्स। तो आपको पहले क्वेश्चन में जो है, आपको इस सर्कल में जो नंबर्स दिए हैं, जैसे इस प्लेस चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट जो बनाया गया है, इसमें जिस नंबर पे सर्कल किया गया है उसका प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू के लिए आपको ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसे आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो इसे आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे और समझना, तो फिर आप इजी वे में कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं, टू 9 0 5 6, यहाँ 5 पे सर्कल किया गया, तो आपको 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 5 का प्लेस वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, का प्लेस वैल्यू के लिए सबसे पहले हम उतारते हैं, जैसे नंबर जिस पे सर्कल किया उसे आपको देखना है। तो जिस नंबर पे सर्कल किया हुआ है वो नंबर आपका कौन सा है, 5, तो आपको 5 लिखना है। 5 का प्लेस वैल्यू वैल्यू क्या होगा आपका, 5 तो है लेकिन अब इसे 1/10 आपको समझना है। तो जैसे चार्ट में देखेंगे 1/10, तो 5 का प्लेस कहाँ है, 10th के पास। तो इसमें क्या करना है, 10th यानी कि 10th के लिए 10, 10 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो आएगा वही आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे 5 × आप देख सकते हो 5 × 10 तो आ जाता है 50। तो 5 प्लेस वैल्यू जो है आपका 50 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। बी पे आते हैं, नंबर बी में आप देख सकते हो बी में आपका 4 पे सर्कल किया हुआ है, तो आपका 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है। फोर का प्लेस वैल्यू तो आपको फिर 1/10, 100,000 ये पढ़ना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ोगे जैसे 1/10, 100,000, 10,000। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन हम 10,000, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 10,000 है, तो 4 × 10,000 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो 4 × 10,000 तो आ जाएगा 4, तो आपका जो 40,000 जो है ये आपका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ही प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यही आपको पुट करते जाना है सारे रूप। फिर सी पे आते हैं, नंबर सी में क्या है आपका, 2 में सर्कल किया हुआ है, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1, तो 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 करेंगे जो आएगा आपका वही प्लेस वैल्यू हो जाएगा। नंबर सी डी में आप आते हैं, तो डी में किस पे सर्कल है, 9 पे, 9 का प्लेस वैल्यू तो 1/10, 100,000, 10,000 लाख, तो 9 × 1 लाख, 1 लाख करेंगे जो आया वही आपका मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आता है वही आपको प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो इसका प्लेस वैल्यू 9 लाख हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 2 1s, देन इसका इस तरीके से आपको सारे को करते जाना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे ई का है 0, तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको देखना होगा, देख सकते हो आप 1/10, 100,000, तो 0 का प्लेस वैल्यू 1,000 हो गया, तो 0 × 1,000 करेंगे तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1,000। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो, जैसे 1 का 5/10 हो जाएगा ए नंबर का, बी का जैसे 4 का प्लेस वैल्यू निकालना था, 4 का क्या निकलेगा, 4,000 हो जाएगा। 4 का ये भी लिख सकते हैं या फिर 4,000 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर 2 का प्लेस सी नंबर, इसमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालना था, 2 × 1 किए हमने, तो 2 1s कर सकते हैं या 2 only। ठीक है, 9 का प्लेस वैल्यू होगा 9 लाख, तो इसे आप 9 और जितने जीरो उसमें होंगे उसको लिखना है, या फिर 9 लैक्स, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। तो पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और उसमें कितने 1,000 में कितने जीरो है, उतने जितने नंबर्स हैं उतने से मल्टीप्लिकेशन उसका कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन 2 है, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन बोल्ड। तो जितने भी नंबर्स हैं उसमें जो बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, डार्क कलर से जो लिखा गया है, उसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हो जैसे नंबर ए, तो इसमें भी आपको वही प्लेस वैल्यू जो चार्ट है उसका आपको अच्छे से रिमेम्बर रहना चाहिए। उसके बाद आप नंबर्स को लिखोगे 1/10, 100, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 400। ठीक है,
तो ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। तो इसको भी आप इस तरीके से ही बनाएंगे। आप देख सकते हो सबसे पहले तो आप पैसे उतार लेंगे, और जिसको आपका निकालना है जिसका प्लेस वैल्यू उसे आप अंडर कर लाइन कर लें। उसके बाद वन टेंस, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा वन टेंस फिर हंड्रेड। तो आपका फोर का प्लेस वैल्यू क्या है? हंड्रेड, तो आपका हो जाएगा 400। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 400 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर बी पे आते हैं, इसमें जीरो का आपको निकालना है प्लेस वैल्यू। तो फिर वही आप पढ़ेंगे वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड। जीरो का प्लेस वैल्यू क्या है? थाउजेंड, तो जीरो थाउजेंड कर देंगे, तो जीरो थाउजेंड लिख देंगे, तो ये प्लेस वैल्यू हो गया। या फिर आपको जीरो इंटू ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट भी वही वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो 3 लाख, तो आपको क्या हो जाएगा? 3 लाख, इतना लिख दिए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देन 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं वन टेंस, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? जीरो का टेंस, तो वही आपको जीरो टू टेंस, टेंस करना होगा, यानी कि 10 होगा, तो आप इसको इस तरीके से टेंस लिख सकते हो। ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। देन नेक्स्ट आते हैं, यहाँ है वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? थाउजेंड, तो 6000 भी लिख सकते हो आप। देन 6 इस तरीके से, ऐसे या ऐसे, दोनों में से किसी भी तरीके से, तो आपको 6 × 1000। तो भाई प्लेस वैल्यू चार्ट जब आप पढ़े रहोगे तो उसमें कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। जैसे 6 या जैसे 6000, 6 × 1000, तो आपको आ गया 6000। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं वन, पहले 8 का निकालना है, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? 8 का 1 से, तो 8 × 1 इक्वल टू 8, 8 वंस कर सकते हो, वंस ये भी हो गया, ये हो गया आंसर। देन नेक्स्ट पे आते हैं वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, 2 लैक्स, 2 × 1 लैक्स, तो आपको 2 लैक्स आ जाएगा, ये आ गया ये। या फिर ये भी आंसर हो सकता है, या फिर 2 लैक्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एच नंबर पे 9 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो वन टेंस हंड्रेड, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9 × 100, तो आ गया 900, तो ये भी आप लिख सकते हो, या फिर 9 HUND, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू चार्ट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन द नंबर्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज बोल्ड, तो आपको इसमें 8 का प्लेस वैल्यू, तो वैसे नंबर्स वैसे न्यूमरल्स में 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है जिसमें 80000 वहाँ पे प्लेस वैल्यू आता है। 8 का जो प्लेस वैल्यू है 80000 आना चाहिए, यानी कि 8 × 10000। ओके, तो 8 × 10000, तो आपको इसमें से देखना है। तो इस तरीके से वही आप कैलकुलेट करेंगे, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये नहीं होगा क्योंकि थाउजेंड है, आपको 10000 आना चाहिए। वन यहाँ है, यहाँ वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो इट मीन्स ये होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये, तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द न्यूमरल्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200, तो 2 का प्लेस वैल्यू आपको निकालना है जिसका जो प्लेस वैल्यू है आपको 200 है। तो आपको वही वन टेंस पढ़ना होगा, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो ये नहीं होगा। फिर से पढ़ते हैं वन टेंस हंड्रेड, यहाँ तो 100 आ गया, तो ये हो सकता है। यहाँ पढ़ते हैं वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये भी नहीं होगा, यहाँ वंस में है, तो यानी राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 5, कंपेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट्स इन दिस नंबर, तो आपको जिसमें सर्कल किया गया है उसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, उसका कंपेयर करना है। मतलब इस 7 नंबर, नंबर 7 का आपको निकालना है प्लेस वैल्यू, तो आप इस दोनों में कंपेयर भी आपको दिखाना है।
पहले ये क्वेश्चन उतार लेंगे, देन इसको सर्कल कर दी, इसको सर्कल। अब इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 1/10। तो पहला प्लेस वैल्यू क्या होगा 7 का, तो 7 × 10 तो आ जाएगा 70। देन ये जो प्लेस वैल्यू है उसका क्या होगा, 7 × 1/10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो आ जाएगा आपको लाख से इसको कैलकुलेट करना होगा, तो आपको 7 लाख आ जाएगा। अब दोनों में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर इट मीन्स कौन सा बड़ा है छोटा है, तो आपको 70, तो आपको कौन सा बड़ा है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। इस दोनों में कंपेयर हो गया कि ये बड़ा है आपका, ये छोटा है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट को अच्छे से लर्न करना होगा, देन 1/10, 100, 1000, 10,000 लाख, इस तरीके से आपको नंबर जितने भी न्यूमरल्स दिए रहेंगे उसे आपको पढ़ना होगा और तब आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारा 4 कंप्लीट होता है। होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।